आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएस किचन। आज की हमारी रेसिपी है शाही टुकड़ा। आज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर आज हम यहाँ पर स्वीट डेजर्ट शाही टुकड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और इंस्टेंट आज हम ये शाही टुकड़ा बनाने वाले हैं, तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 7 से 8 व्हाइट ब्रेड्स। अब हम इन ब्रेड्स के ये चारों कोनों को निकाल देंगे। ये जब हम इन ब्रेड्स को तेल में फ्राई करेंगे तब ये एक जैसे दिखने के लिए इनके चार कोने मैंने निकाल दिए हैं। फ्रेंड्स, हमने जो ये ब्रेड्स के कॉर्नर्स निकाल दिए हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनका हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं जिसे हम किसी और रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन चारों स्लाइड्स को कट नहीं करना चाहते हो तो भी आप इन्हें डायरेक्टली तेल में फ्राई कर सकते हो, बस ये ज़्यादा क्रिस्प होंगे। इसी प्रकार से इन सारे ब्रेड्स को मैं दो भागों में कट कर लूँगी। अब इन ब्रेड्स को फ्राई करने के लिए आगे हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इन ब्रेड्स को तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। अब यहाँ पर ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए इसलिए इन्हें मैं दूसरे साइड से भी फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ब्रेड्स को गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है और इनके जो बबल्स है ये पूरी तरह से कम हो गए हैं। इसका मतलब ये बहुत क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। अब आगे हम बचे हुए ब्रेड्स को भी सेम इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे ब्रेड्स हमने फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं हमारे ये ब्रेड्स, जैसे कि टोस्ट की तरह। अब हम आगे रबड़ी की तैयारी करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई को रख दिया है। अब इस कढ़ाई में फुल क्रीम 1/2 लीटर दूध को हम गर्म करेंगे। आप चाहो तो गाय के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रबड़ी में जो ये फुल क्रीम दूध का टेस्ट अलग ही आता है दोस्तों। अब इस दूध को हम उबाल लेंगे। अब यहाँ पर दूध जो है अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर। आप चाहो तो ये आपके टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब शक्कर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच दूध पाउडर। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। दूध पाउडर डालने से हमारी जो रबड़ी है बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट में ये होटल की तरह लगती है। इसे हम 1-2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। आगे हम डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश खोया। इसे मैंने बेकरी से लाया है, ये सॉल्टेड खोया है। इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से खोया को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से पिस्ता, काजू और बादाम को लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालना ऑप्शनल है, यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे हैं ताकि मैं इनको गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। इसे हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो खोया है वो नीचे से लगे ना। अब इसे हम 5 से 7 मिनट तक धीमी आँच पर अच्छे से उबाल लेंगे। अब हमारा दूध जो है अच्छे से उबल चुका है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है और इस तरह से हमारे दूध की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में गाढ़ा हो जाता है। अब हमारी रबड़ी जो है ये तैयार हो गई है। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए 2 से 4 घंटों के लिए। अब इसी रबड़ी के कढ़ाई में हमने जो ब्रेड्स को फ्राई कर लिया था इन्हें हम इस तरह से रख देंगे और हमारी तैयार हुई रबड़ी को हम फ्रिज से निकाल लेंगे और इन ब्रेड्स पर हम डाल देंगे। अब इन सारे ब्रेड्स को हम इस रबड़ी से अच्छे से सोक करेंगे। रबड़ी को अच्छे से ब्रेड में मिक्स करने के बाद इनमें हम डालेंगे केसर का दूध। 10-12 केसर को मैंने गर्म दूध में अच्छे से भिगो के रखा था। अब इस केसर दूध को इस शाही टुकड़ा पर हम डाल देंगे। केसर दूध डालना ऑप्शनल है, लेकिन केसर दूध डालने से इसकी जो टेस्ट है ये लाजवाब लगती है।
शाही टुकड़ा ये स्वीट डेजर्ट है तो इसे ठंडा खाने में ही मजा आता है, इसीलिए अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो दोस्तों इस शाही टुकड़ा को मैंने फ्रिज से 2 घंटे के बाद निकाल लिया है, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। अब हम इस पे गार्निशिंग के लिए जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो हम डाल देंगे। तो दोस्तों लीजिए, तैयार हो गया हमारा शाही टुकड़ा, वो भी होटल की तरह। एक बार इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे फूडी स्टे हेल्दी।